नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से विंग कमांडर अभिनंदन होंगे सम्मानित। 15 अगस्त को वीर चक्र से नवाजा जाएगा अभिनंदन को। बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सैन्य सम्मान है वीर चक्र। पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था अभिनंदन ने। वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल को भी किया जाएगा सम्मानित। बता दें कि विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र से 15 अगस्त को नवाजा जाएगा। बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सैन्य सम्मान है वीर चक्र। पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था अभिनंदन ने। वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मिंटी को भी सम्मानित किया जाएगा। मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। विंग कमांडर अभिनंदन को 15 अगस्त को वीर चक्र से नवाजा जाएगा। तदे वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आकांक्षा शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जी आकांक्षा, अभिनंदन को वीर चक्र का सम्मान मिलने वाला है 15 अगस्त को, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? जी कृतिका, अभिनंदन को, कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित कल किया जाएगा, जो कि बहादुरी के लिए नवाजा जाता है। युद्ध काल में आप जब बहादुरी कुछ करते हैं, ऐसा बहादुरी का कार्य करते हैं, तो आपको इस वीर चक्र से नवाजा जाता है। यह उन्हें पाकिस्तान के बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें जो उनका जो F-16 विमान था उसको मार गिराने के लिए मिल रहा है। इसके साथ साथ ही काफी जो भी आप बहादुरी क्षेत्र में जो भी आप देश के लिए बहादुरी के लिए जो कार्य करते हैं उसके लिए इस वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। तो अभिनंदन को इस बार जो 27 फरवरी को जो इंसिडेंट हुआ था बालाकोट में, जो पुलवामा में, उससे उसके लिए इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। जी आकांक्षा, अभिनंदन के अलावा और कौन कौन से लोग हैं जिन्हें 15 अगस्त पर सम्मानित किया जाना है? जी, इस अभिनंदन के साथ साथ इसमें वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल भी हैं और उन्हें भी वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद और जो जो इस क्षेत्र में जो जो संबंधित थे, अभी इन दोनों का नाम ऊपर आया है, जिससे ये दोनों को वीर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद जो अपडेट्स आएंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद आकांक्षा इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बॉलीवुड में नाम कमाने के बाद उर्मिला मटोलकर राजनीति में भी सक्रिय हो गई हैं। बता दें कि मटोलकर ने 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था और उर्मिला ने एक वीडियो भी जारी किया और कहा कि आजादी के बाद ही असली जिम्मेदारी आती है और इस आजादी पर बाढ़ से पीड़ित कोल्हापुर, गढ़चिरौली, सांगली के लोगों के लिए मदद करें और कोई भी मदद छोटी या बड़ी नहीं होती, बस इरादा नेक होना चाहिए। बहुत बुरी तरह से बाढ़ आई, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों,
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दोस्तों, परसों हमारा स्वतंत्रता दिन यानी 15 अगस्त है। कईयों की जाने गई तब जाके हमें ये स्वतंत्रता मिली है, और स्वतंत्रता के साथ आती है जिम्मेदारियां। आइए इस 15 अगस्त को हमारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र के कई जिलों में जैसे कि सांगली, कोल्हापुर, कोंकण, गढ़चिरौली बहुत बुरी तरह से बाढ़ आई हुई है। इन सब लोगों को आपकी मदद की सख्त जरूरत है। कोई भी मदद बड़ी या छोटी नहीं होती, उसके पीछे की भावना सबसे श्रेष्ठ होती है। आइए ये स्वतंत्रता दिन इन बाढ़ग्रस्त लोगों के साथ बिताइए, और अपने हिसाब से जो भी आपसे बन पड़े इन मदद करने की जरूर कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो वही जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, जिसके लिए युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही सांस्कृतिक प्रोग्राम को लेकर अभ्यास भी किया जा रहा है। सेना से रिटायर्ड सूबेदार पिता के कठोर आचरण के डर से घर से भागा हुआ बेटा 35 दिन के बाद बाड़मेर के एक हॉस्टल में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए मिला। तो वहीं एक माह से अधिक समय बीतने से बेटे की तलाश में माता पिता का बुरा हाल था, और अपने रिश्तेदारों से लेकर कई जिलों में बेटे की तलाश भी की। दरअसल भूतपूर्व सूबेदार आसूराम का बेटा लक्ष्मण राम आर्मी की तैयारी कर रहा था, जिसने 2 बार सेना भर्ती में भाग भी लिया, लेकिन कुछ अंकों से वह रह गया था। इस पर 1 जुलाई को जोधपुर में सेना भर्ती रैली थी, लेकिन बेटे लक्ष्मण राम ने 1 जुलाई की भर्ती को 10 जुलाई समझ लिया, और 8 जुलाई को जब भर्ती रैली में जाने के लिए एडमिट कार्ड निकाला तो उस पर 1 जुलाई लिखा था, लेकिन जो तारीख निकल चुकी थी, जिसके चलते छात्र ने घर से भाग जाना ही बेहतर समझा। पंद्रह अगस्त की तैयारियां जारी है, तो वही स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश के बड़े शहरों में आतंकी हमले का अलर्ट भी जारी है। ऐसे में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां गहन तलाशी में जुटी हैं। आप देख सकते हैं ये खास तस्वीरें। देश भर में 15 अगस्त के कार्यक्रमों को लेकर तैयारी जारी है, तो वहीं देश के बड़े शहरों में आतंकी हमले की चेतावनी के चलते पूरे देश भर में अलर्ट किया गया है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही
शहर के विभिन्न इलाकों में भी जगह जगह पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गुवाहाटी की है, जहां पर डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस सघन चेकिंग कर रही है रेलवे स्टेशन पर। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पूरे देश में चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए हुए है, सुरक्षा एजेंसियों को मुस्तैद किया गया है। 15 अगस्त पर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन सजग है, जगह जगह पर तैनात है, पूरी तरह से मुस्तैद है। तो बता दें कि देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। जहीं बात करें गुजरात की, महाराष्ट्र, केरल और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की है, जहां पर भारी बारिश के चलते जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। कई इलाकों में बाढ़ का कहर भी देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह सड़कों पर जल जमाव हो गया है, वाहनों को निकलने में परेशानी हो रही है। तो वही भारी बारिश के चलते कई वाहन बाढ़ में फंस गए हैं, जिन्हें प्रशासन द्वारा रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर की है, जहां आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से एक गाड़ी बीच पानी में फंस गई है, जहां प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में सवार सभी लोगों को निकाला गया, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बता दें कि मध्य प्रदेश में भी इन दिनों बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर की है, जहां भारी बारिश के चलते हाईवे तक जाम हो गए हैं, सड़कों पर पानी इतनी मात्रा में भर गया है कि लोगों को अब निकलने में भी परेशानी हो रही है। तो वहीं इस पानी में कई वाहन फंसे हुए नजर आए। बता दें कि बाढ़ के चलते आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है मध्य प्रदेश में। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जगह जगह जल जमाव देखने को मिल रहा है। कुछ गांवों में पानी घुसा है और अभी पानी वहां है भी, धीरे धीरे जलस्तर कम होने की सूचना मिल रही है। अभी हमारी पहली प्रायोरिटी है कि लोगों को उन गांवों से बाहर निकाल लें, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट सभी जगह सफल हो चुके हैं। एक दो जगह बस्तियों में पानी घुसा है, तो उनको हम मंदसौर शहर में शिफ्ट कर रहे हैं और ये कार्यवाही लगातार चल रही है। हाँ, इस स्थिति को देखते हुए आज
मंदसौर और मल्हारगढ़ तहसील और नगर पालिका क्षेत्रों के स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है ताकि बच्चों को अनावश्यक परेशान न होना पड़े और स्कूल के बसों के आवागमन से या कहीं पे नदी नाले पुलियों में पानी होने के कारण कोई समस्या पैदा न हो। अभी जो मौसम के अलर्ट से उसके हिसाब से तो ज़िले में बारिश की संभावना कम दिख रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट तब भी पड़ता है जब अपस्ट्रीम में बारिश होती है। ऊपर के जो ज़िले हैं प्रतापगढ़ वगैरह में जब बारिश होती है, कल प्रतापगढ़ में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और उसका डाउनस्ट्रीम यहाँ है तो उसमें पानी आ जाता है। तो हम लोग स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और सभी से अपील भी करते हैं कि वो धीरज रखें और किसी अफवाह में ना पे ध्यान दें और जैसे ही कोई सूचना मिलती है उसको पुलिस से, प्रशासन से और नगर पालिका से शेयर करें। मंदसौर शहर, मंदसौर तहसील के कुछ गाँव में और मल्हार के काफ़ी गाँव में, पीपलिया मंडी, नारायणगढ़, मल्हारगढ़ और उसके आसपास के गाँव में काफ़ी जगह पानी घुसा है। अपस्ट्रीम में तेज़ बारिश होने के कारण और ज़िले में भी बारिश होने के कारण ये स्थिति बनी है। तो सभी जगह पुलिस की, प्रशासन की, नगर पालिका और इनसे रिलेटेड टीमें जो हैं वो तत्काल बचाव के लिए पहुंच चुकी हैं। कहीं भी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। जो लोग निचली बस्तियों में फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित निकाल कर और राहत के जो कैंप्स हैं उसमें पहुँचा दिया गया है। विभिन्न गांवों में भी और नगर पंचायत क्षेत्रों में, मंदसौर शहर में भी राहत कैंप शुरू कर दिए गए हैं और हर संभव सुविधाएं प्रदान की जा रही है। जहां से भी सूचना मिल रही है वहां पर हमारी रेस्क्यू टीम जा रही है और आवश्यक सहयोग है प्रदान कर रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के झालावाड़ से। झालावाड़ में बारिश का कहर लगातार जारी, बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। ढाबला मार्ग पर चाचूनी नदी के पुल तक पहुंचा पानी, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। बताते हैं कि झालावाड़ में बारिश का कहर जारी है, जहां बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं तो वहीं ढाबला मार्ग पर चाचूनी नदी के पुल तक पानी पहुंच चुका है और लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। बड़ी खबर झालावाड़ से। आपको बता दें कि झालावाड़ में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जहां नदी नाले उफान पर आ गए हैं भारी बारिश के चलते तो वहीं डाबला मार्ग पर चाचूरनी नदी के पुल तक पहुंच चुका है पानी और लोग अब भी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।